राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य में भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और जनता के साथ छलावा किया है। अब चुनाव के नाम पर राज्य में 22,000 युवाओं को रोजगार गारंटी का दावा कर रही है, वहीं राज्य जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में जो जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएगी और युवाओं को रोजगार देगी। अल्मोड़ा से सोनू सिजवाली की रिपोर्ट। राज्य की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। 22 में कांग्रेस पूरी तरह से आएगी और हताशा निराशा बीजेपी दिख रही है। आज मैं मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था, 22,000 पर जब वो जाने वाले हैं, कोई समय नहीं रह गया। नवंबर दिसंबर में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। वो 22,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री से एक और भारतीय जनता पार्टी से सीधा सा सवाल है, ये 22,000 पाँच सालों में राज्य के अंदर ये 22,000 जो पद खाली पड़े रहे, इसका मतलब 22,000 नौजवान, 22,000 परिवार, आखिर इसके लिए दोषी कौन है? इस जो इस राज्य के नौजवानों को सपनों को जिन्होंने चकनाचूर किया है हमारा, आखिर तभी तो 22,000 पर अचानक राज्य की सरकार घोषणा कर रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका मतलब सीधा सीधा है, आज देश में सबसे बड़ा बेरोजगारी की दर इस उत्तराखंड में है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और कांग्रेस 22 में आएगी तो तत्काल आते ही इन पदों को भरने की कार्रवाई तुरंत शुरू करेगी। राजधानी के सवाल पर क्या है? राजधानी साफ है, कांग्रेस ने गैरसैंण में राजधानी के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे और वो अंतिम मुकाम है स्थायी राजधानी की, और कांग्रेस पे 22 में सरकार बनाएगी तो राज्य गैरसैंण इस प्रदेश की स्थायी राजधानी बनेगी। सोमेश्वर से तारा।